भाई बागा बीच पे जो नाइट लाइफ है वो बहुत ही हैपनिंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में, जहां मैं आपको ले जाने वाला हूं नॉर्थ गोवा के दो फेमस प्लेसेस, जिनमें से एक है पारा रोड। जी हां, पारा रोड डियर जिंदगी मूवी वाला, और दूसरा है दी फेमस बागा बीच। तो चलते हैं। वैसे मेरा स्टे अरपुरा एरिया में है, जो बागा बीच से कुछ ही दूरी पे है, तो हमने सोचा पहले चलते पारा रोड फिर जाएंगे बागा, और हम निकल गए। इट्स अर्ली मॉर्निंग 7:30 और हम लोग आ चुके हैं पैरा रोड पे। यहाँ पे आने के बाद यू विल डेफिनेटली सी लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि जब से डियर जिंदगी मूवी में आया तब से यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सीनिक ऐसा रोड है ये। लेट मी जस्ट शो यू समथिंग ऑफ इट। सीधा रास्ता है और दोनों साइड में ट्रीज है, बट यहाँ पे ये रनिंग रास्ता होने के कारण व्हीकल्स ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे लोग ज़्यादा है, कहीं पे प्री वेडिंग शूट चल रही है, कहीं पे बाइक फोटोग्राफी हो रही है, और कोई तो शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा है। तो हमने भी मौके पे मारा चौका और कुछ फोटोज़ खींची गाड़ी के साथ और कुछ पर्सनल। और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकले अपने स्टे की ओर। ऑफिस का टाइम जो हो चुका था, इस वीडियो में हम जाने वाले हैं बागा बीच। बागा बीच इज वन ऑफ दी फेमस बीच इन नॉर्थ गोवा। तो ये बीच पे हम लोग कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो अभी हम है टीटोज वाली गली में। टीटोज वन ऑफ दी फेमस बार बोल सकते हो आप, बहुत पुराना, 1947-1970 कुछ तो है। अभी मॉर्निंग है तो लोग नहीं है ज़्यादा, दुकानें बंद है। अरे किसी के पास कैश है क्या? तो बागा बीच पे आते ही पहले आपको ये एक स्टैचू दिखेगा जो टीटो हेनरी डी डिसूजा का है, एंड आई थिंक इनके ही नाम पे ये टीटोज जो बार रेस्टोरेंट है उसको नाम मिला होगा। तो यह अभी बागा बीच के काफ़ी करीब आ चुके हैं। ये पूरा कमर्शियल बीच होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे होटल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा होटल ऑप्शंस हैं। तो बागा बीच भाई ये तो कुछ अलग ही मज़े दे रहे हैं। फॉग के साथ आप खड़े हो ओशन के पास बीच पे, दैट इज़ रियली अमेजिंग। अब आप ही देख लो ना, आई थिंक शिप्स ऐसे मछलियाँ लेके आ रही है और लोग अर्ली मॉर्निंग फोटोज़ के लिए बैठे हुए। ये भाई देखो कैसा सोया है। यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू साउथ गोवा बीचेस। दूर कहीं पे बागा बीच का साइनेज है जो रात में शायद ग्लो करता होगा। ओशन में दूर कहीं बहुत सारी कश्तियाँ तैर रही है। और ये सब नज़ारे देखने के बाद हमने उड़ाया अपना ड्रोन, और ड्रोन ने जो कैप्चर किया वो कुछ ऐसा था।
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये ड्रोन वाले शॉट्स कैसे लगे। तो बागा बीच पे आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम पास कर लिया हमने। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, पता नहीं क्यों। और जो समंदर की लहरें, दोज आर वन ऑफ द बेस्ट, मैंने अभी तक जो देखी उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट मेरे लिए, मेरे को पसंद आई। तो बागा बीच पे एक साइड पे बागा बीच वाला ऐसा साइनेज भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आप कैंडल लाइट डिनर के लिए भी आ सकते हो। शाम के वक्त यहाँ पे पूरी जगह पे कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे सुना और यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से। तो बाकी सब तो ठीक है, अपना काम सेट है, आज के दिन के लिए इनफ हो गया। और अभी हम निकलने वाले घर के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है, बैठने लायक है, करने लायक। तो वन ऑफ देम इज़ आप तो यहाँ पे रेस्टोरेंट हॉपिंग कर सकते हो बीच साइड पे। दूसरा आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे बैठ के आराम से समंदर के मज़े लो, पानी में खेलो। या फिर तीसरी एक एक्टिविटी जो आप कर सकते हो, वाटर स्पोर्ट। तो वाटर स्पोर्ट के अंदर पैरासाइलिंग विद अ डिप, पैरासाइलिंग विदाउट डिप, जेट स्की राइड, बम्पर राइड, बनाना राइड, बोट राइड और डॉल्फिन ट्रिप। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, उनके रेट इस तरह है। तो बाकी काउंटर अभी अभी शुरू हुआ है और हम तो निकल रहे हैं क्योंकि हमें जाके ऑफिस भी करना है। तो दिस इज़ आवर वे बैक, जिस रोड से हम लोग अंदर सी की तरफ आए थे उसी रोड पे जा रहे हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुका है कि आप रास्ता देख नहीं पाते। वहाँ पे जाने के लिए, रास्ते पे जाने के लिए एक सिंपल गली है और बाकी पूरे दोनों साइड में होटल्स हैं। बीच होने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, ऑफिस का टाइम हो चुका था, बट बागा की नाइट लाइफ भी तो देखनी थी। तो शाम में एक फटाक से काम खत्म करके हम फिर से निकले बागा बीच की ओर। तो भाई बागा बीच पे जो नाइट लाइफ है वो बहुत ही हैपनिंग है, मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन आपको ये यहाँ के नज़ारे ज़रूर दिख रहे होंगे। तो ये यहाँ पे पार्टी हो रही है और उनके रेप्लिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। बीच पे पूरा कचरा गिरा हुआ है, हर जगह पे कचरा है। यही साउथ गोवा का सीन अगर देखेंगे, साउथ गोवा में बिल्कुल भी कचरा नहीं था। फिर रात का खाना खाने के लिए वी केम टू दिस अमेजिंग प्लेस कॉल्ड सेंट एंटनीज एट बागा बीच, जहाँ डीजे सबको नचा रहा था। डांस और खाना होने के बाद हम निकले अपने स्टे की तरफ। तब तक 2:30 बज चुके थे रात के। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज मस्ट हैव लाइक्ड इट। डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा या फिर आप पहली बार चैनल पे आए होंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने फीडबैक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो क्या है ना, अगले वीडियोस में इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है।